नमस्कार, कैसे हैं? आशा है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। 18 जून से मेरा वीडियो आना बंद हो गया था। काफ़ी लोग कारण जानना चाह रहे थे। आज ये एक पर्सनल मैटर है और इसका मैं बिल्कुल अलग सीरीज़, अलग नाम से इसको शुरू कर रहा हूँ आज की तारीख से। एक तो मेरा सावधान बैंक लोन कभी नहीं है, उसमें जो टॉपिक्स पे मैं बात करता हूँ, करंट अफेयर्स पे बात करता हूँ, बैंक लोन की बात करता हूँ, इंश्योरेंस से रिलेटेड मैटर की बात करता हूँ और बिजनेस की चर्चा करता हूँ। इसके अलावा कभी कभी कुछ पर्सनल मैटर पे भी मैंने बात की है, लेकिन कुछ मैटर, देखिए, हर के ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कारण आते रहता है, समस्याएं आते रहती हैं, लेकिन वैसी समस्याओं को सामने रखना बहुत आवश्यक है या शेयर करना ज़रूरी है जिससे कुछ सबक लेना चाहिए। जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री तो एक बीता हुआ कल है। हम इसीलिए पढ़ते हैं ना कि जो गलती इतिहास में हुई है वो दोहराई नहीं जाए। देखिए कहानी, आप जो लोग मेरे पुराने मित्र हैं वो सभी मेरे से बढ़िया से परिचित होंगे। अगर आपको भी मेरे बारे में, अगर आप नए जुड़े हैं, तो मेरे साथ जो घटनाएं घटी उसकी जानकारी के लिए मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा। सावधान बैंक लोन कभी नहीं का एक बार वॉल्यूम 1 देख लीजिए। वॉल्यूम 1 और 2 देख लेंगे ना, आपको मेरा वॉल्यूम्स देखने का मन करेगा, क्योंकि मैं अपनी लड़ाई बिल्कुल अकेले लड़ रहा हूँ। मैंने गिव अप अभी तक किया नहीं है, कोशिश करूँगा कि गिव अप करूँ भी नहीं। काफ़ी विकट स्थिति का सामना कर रहा हूँ। सुशांत जी ने गिव अप कर लिया। आज एक न्यूज़ आ रहा है, मात्र 16 साल की लड़की टिकटॉक वाली, उसने भी गिव अप कर लिया। कारण क्या है अभी स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन मैं आपसे यही बात बोलूँगा, लड़ने मैंने कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसकी आवाज़ बुलंदी से उठानी चाहिए। ठीक है, आपकी आवाज़ हो सकता है देर से सुनी जाए, घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब तक आप अपनी समस्याओं को सामने नहीं रखेंगे, लोग कैसे जानेंगे कि आप किस समस्या से गुजर रहे हैं? ये आपके अंदर की बात है। जिस समस्या से आप गुजर रहे हैं इसको आप जानते हैं, आपका परिवार जानता है, लेकिन सब लोग तो नहीं जानते हैं ना। जब तक इस समस्या को आप पब्लिक में नहीं लाइएगा, उसका निराकरण बड़ा दिक्कत है, मतलब सॉल्यूशन मिलना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर आपको जल्दी सॉल्यूशन चाहिए तो अपनी आवाज़ को मजबूती से उठाइए। कभी भी लाइफ में गिव अप वाली बात मत कीजिए। देखिए माहौल वाकई निगेटिव है, अच्छे अच्छे लोगों का रोजी रोटी बर्बाद हो गया है, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। देखिए मैं पढ़ रहा था, सुशांत जी पीछे कम से कम 60 करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़ के गए। खैर वजह जो भी हो, 60 करोड़ रुपया से बहुत कुछ वो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत से उन्होंने हार मान ली। ये चीज़ सोचिए, ये गलत है। अब ये टिकटॉक वाली लड़की, वजह जो भी हो, उम्र 16 साल, उसके फादर बिजनेसमैन, दिल्ली में रहने वाले, मतलब क्या ऐसा प्रॉब्लम हो गया था? कितना बड़ा कोई भी समस्या हो जो गिव अप कर लेना, सुसाइड कमिट कर लेना। फॉलोअर्स भी ज़्यादा था, अभी हमें भी 2-3 वजह पे शक जा रहा है, लेकिन उस पर डिस्कशन इसलिए उचित नहीं है कि मामला पुलिस के जांच के अधीन है। तो जब तक पुलिस जांच करके कोई बात सामने नहीं लाए, अनुमान लगाना बेकार है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ, मैं भी एक समस्या से गुजर रहा हूँ। पिछले 6 साल से डिप्रेशन का शिकार हूँ, लेकिन भाइयों, मैंने डिप्रेशन का आज तक एक गोली नहीं खाया, एक सिंगल गोली, और ना कभी डॉक्टर के पास गया इस बात को लेके। डिप्रेशन रात में हमेशा आया, लेकिन दिन जब हुआ, सुबह जब हुआ, मैंने नई हिम्मत से फिर उसका मुकाबला करने का सोचा, ऑलवेज। और अंततः मैं कोर्ट में गया और कोर्ट से मुझे राहत मिला। इस सब की जानकारी के लिए आप उस वॉल्यूम पे जाइए। आज का विषय थोड़ा सा
और ये सीरीज ही बिल्कुल अलग है। इस सीरीज में बिल्कुल मैं वैसे विषय को उठाऊंगा जो मेरे सावधान बैंक लोन कभी नहीं से रिलेट नहीं करेगा। देखिए, बहुत लोग जानते होंगे, मैं अपनी सास के लिए, उनका मैरिज डे कल बीते 26 जून को था, 50वां शादी का सालगिरह 26 जून को था। मैं उसके लिए उनको एक गिफ्ट दिया था, वॉशिंग मशीन। मतलब इस आर्थिक माहौल में जहाँ पे मेरी स्थिति खुद खराब है, फिर भी मैं किसी भी तरह से इंतजाम करके कुछ दुकानदार के सहयोग से उनको ये वॉशिंग मशीन गिफ्ट किया था। लेकिन हुआ क्या था कि मेरे ससुर जी को मेरा ये गिफ्ट ठीक नहीं लगा था। वो नहीं चाहे थे कि, मतलब वो घर में घुसने से इनकार कर रहे थे वॉशिंग मशीन को। और मेरी सास थोड़ा सा, मतलब काफ़ी हेल्दी थी और मैंने वो अपना कपड़ा अपने से नहीं खींच पाती थी, तो मैं उनका ख्याल करके ये वॉशिंग मशीन, चूंकि मेरी वाइफ बराबर कह रही थी एक वॉशिंग मशीन का, वो भी डिमांड कर रही थी कि उनको मिल जाता तो वो लोग का जिंदगी थोड़ा सा सुगम हो जाता। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं वो वॉशिंग मशीन एलजी कंपनी का था, उसको मैं उनके पास भिजवाया था। और ठेला से जैसे वॉशिंग मशीन गया, और वैसे ही मैं चाहा था कि साथ साथ वो इंस्टॉल हो जाए, तो मैंने कंपनी से जो इंस्टॉलर है उसको भी लाइनअप कर दिया था कि दोनों काम साथ साथ हो जाए। देखिए, मेरे फादर इन लॉ को थोड़ा सा, उनका लिविंग स्टैंडर्ड थोड़ा सा डिफरेंट है। मतलब उनका खाना पीना सोना जगना सब कुछ एक आम आदमी से थोड़ा वो अलग चलते हैं। मतलब जनरली 4 बजे शाम में वो पूजा करते हैं और उसके बाद 5 बजे वो दिन का खाना खाते हैं और उसके बाद वो सोने चले जाते हैं 4 घंटे के लिए, फिर 9 बजे रात में उठते हैं और 2-3 बजे रात में जाके फिर वो सोते हैं। अब उनका लाइफ स्टाइल और मेरी सास का लाइफ स्टाइल, मतलब फादर इन लॉ और मदर इन लॉ, सिर्फ 2 व्यक्ति अकेले उस घर में रह रहे थे और दोनों का लाइफ स्टाइल मैच नहीं कर रहा था। क्योंकि जब वो जगते थे, ये सोती थी, वो सोती थी, ये जगते थे, मतलब दोनों आदमी का लिविंग जो लाइफ स्टाइल है आपस में तालमेल नहीं बैठ रहा था। मेरी मदर इन लॉ भी काफ़ी दुखी रहती थी उनके लाइफ स्टाइल से। खैर, वो अलग प्रॉब्लम है, हर आदमी का एक पर्सनल लाइफ होता है, उसमें हम लोग को इंटरफेयर करने का कोई ज़रूरत नहीं है। हर आदमी का अपना लिविंग स्टाइल होता है, जिसको जो आदमी अपनी ज़िंदगी को जैसे बिताना चाहे, देश आज़ाद है, व्यक्ति आज़ाद है, उस पर मैं कभी जोर ज़बरदस्ती उनके लाइफ स्टाइल पर कभी नहीं दिया। अब देखिए हुआ क्या क्या डेवलपमेंट हुआ। आज से करीब करीब 20 दिन पहले की बात है, किचन में थोड़ा सा जमीन जो है सो उनके किचन और जो डाइनिंग हॉल है उसमें थोड़ा सा 1/2 इंची का अप डाउन था। मेरी मदर इन लॉ, मैं बताया कि जैसे बहुत हेवी वेट की थी, मतलब अप्रॉक्स 100 kg उनका वेट होगा, और वो ठोकर लग के वो गिर गई। खैर, गिर गई, उसके बाद धीरे धीरे करके वो बेड पे चली गई। और जब बेड पे चली गई तो फिर उनका यहाँ पे मेरे फादर इन लॉ जो हैं सो वहाँ पे इग्नोर करते चले गए। और मतलब सही पूछिए तो काफ़ी दिनों से, अच्छे खासे दिनों से मेरे फादर इन लॉ का मेरे से बहुत अच्छा रिलेशन नहीं रहा। मैटर बहुत सारा है, आप अगर मेरा सावधान सीरीज देखिएगा, सावधान बैंक लोन कभी नहीं, तो वो सब मैटर भी परिवार में चल रहा था, वो फैक्टर बहुत सारा है। तो मेरी सास हमको बहुत पसंद करती थी, मतलब उनको देखिए कोई बेटा नहीं है, 2 बेटी हैं उनको, लेकिन हमको बेटा से बढ़ के मानती थी। अब क्या हुआ कि वो धीरे धीरे करके उनको पेन होने लगा, और मैं आपको बताया हुआ हूँ कि मेरे यहाँ एक कंपाउंडर बराबर आता है, क्योंकि मेरे मदर फादर भी काफ़ी एडवांस एज में हैं। मतलब आप बिलीव नहीं कीजिएगा, फादर लगभग 80-90 के बीच में है, मदर 80 और 85 के लगभग में है, तो काफ़ी दोनों ओल्ड एज में है। तो जब भी इनको कोई ट्रबल होता है, ट्रबल इन दोनों को होते रहता है, ओल्ड एज है, ट्रबल होते रहता है। और मैं एक यहाँ नियरेस्ट एक हड्डी के डॉक्टर हैं, उनके ऑपरेशन थिएटर का जो असिस्टेंट है वो कंपाउंडर काफ़ी पुराना है और काफ़ी जानकार है, मतलब एक डॉक्टर से कम नॉलेज उसको नहीं है।
उसको मैं सेट किया हुआ हूँ, जब भी कुछ होता है उसको कॉल करता हूँ, वो आता है, पानी चढ़ाता है, जो भी जरूरत होता है, मतलब कितना भी बड़ा से बड़ा इलाज क्यों ना हो, वो उसको घर पे ही वो फैसिलिटी देता है, चार्ज भी लेता है, नो प्रॉब्लम, लेकिन जान बचा देता है, ये उसमें क्वालिटी है, मतलब जान को वो बचाने का काम करता है तुरंत, और हॉस्पिटल जाने से भी बचा देता है। नहीं तो ओल्ड एज के आदमी को आज के डेट में अगर आप हॉस्पिटल लेके जाइए तो पैसा तो अलग बात है, जान बचेगा कि नहीं बचेगा उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो अब मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ का यानी उनके अपने वाइफ का वो ट्रीटमेंट नहीं करवा रहे हैं, डॉक्टर फैमिली है, मतलब मेरा जो ससुराल है उसमें अगर 100 व्यक्ति होंगे तो उसमें से लगभग 80 लोग डॉक्टर हैं, अब बड़े बड़े डॉक्टर हैं, उनके सारे कजन्स डॉक्टर हैं, सारे ब्रदर इन लॉ वगैरह, माने जो भी हैं सब डॉक्टर फैमिली है, और वो उनका ट्रीटमेंट नहीं करा रहे हैं। अब बाद में एक और चीज़ पता चला कि प्रॉब्लम वहाँ पैसे की भी नहीं थी, मतलब 4 लाख का मेडिकल इंश्योरेंस भी दोनों आदमी का था, ये हमको बहुत देर से पता चला, पहले इस चीज़ की मेरे जानकारी मेरे को नहीं थी। तो इसके बावजूद भी उनका ट्रीटमेंट नहीं हो रहा था। आज का वीडियो मैं काफ़ी शॉर्ट रखूँगा क्योंकि मेरे मोबाइल का बैटरी जो है सो हम देख रहे हैं इंडिकेट अभी किया है लो है, तो मैं अपना बात बहुत संक्षेप में करूँगा। हुआ क्या कि मेरी वाइफ अब मेरी बेटी के साथ एक दिन सास को देखने गई, और मैं कंपाउंडर को सेट कर दिया कि कम से कम ठीक है तुम इनका इलाज करो, तो फर्स्ट डे वो जो मेडिसिन दिया वो लगभग 800 का चार्ज किया, उस चार्ज के लिए बहुत हल्ला हंगामा हो गया घर में कि बहुत पैसा ले लिया, जबकि उसमें 500 रुपये का वो मेडिसिन दिया था और 300 खाली सर्विस चार्ज में लिया था। उसके बाद मैं उसको बोला कि बाबू ऐसा करो कि कोई भी इलाज नहीं चल रहा है तो तुम कम से कम उनको कुछ दर्द से रिलीफ दे दो, बहुत दर्द में है, क्या करें, मतलब हम डायरेक्टली देखिए हम कुछ भी हैं तो सन इन लॉ हैं, लेकिन बीच में मेरे फादर इन लॉ अलाउ जब तक नहीं करेंगे मैं उनका ट्रीटमेंट कैसे करवाऊँ, आप बताइए। मेरे फादर इन लॉ बिल्कुल नहीं चाह रहे हैं कि उनका ट्रीटमेंट, मैं चाह रहा था कि उनको हॉस्पिटलाइज करना, भाई कुछ भी हो तो हॉस्पिटल में, अब कंपाउंडर बोला कि स्लिप डिस्क है, हम बोले जो भी है एक बार सीटी स्कैन हो जाता, एमआरआई होता, मतलब जो भी रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट है वो होना चाहिए किसी भी तरह से उनको, मतलब हम चाह रहे थे कि डॉक्टर से एक बार हॉस्पिटल में डाल दें, ट्रीटमेंट हो, लेकिन वो उसके लिए भी कभी तैयार नहीं हो रहे थे, बोल रहे थे नहीं नहीं ठीक है ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि हम कंपाउंडर को बोले तो वो दर्द का इंजेक्शन सुबह शाम देने लगा, हम बोले कि तुम इसका कुछ मत चार्ज करो, इंजेक्शन का क्या चार्ज है, तो वो बोला 30 रुपया, हम बोले कि एक काम करो 30 रुपया तुम और ले लेना, जिंदगी में कभी भी होगा हम तुमको इसका पैसा तुमको लौटा देंगे, उससे ज़्यादा वहाँ तुम चार्ज मत करना, 60 रुपया लो और सुई उनको दे दो ताकि उनको दर्द से कम थोड़ा रिलीफ मिले। बाकी मेडिसिन मेरे फादर इन लॉ के पास देखिएगा तो मेडिसिन का टाल लगा हुआ है, मतलब फिजिशियन ने सैंपल का इतना मेडिसिन होगा कि चूंकि डॉक्टर फैमिली है कोई मेडिसिन की कमी नहीं है, तो वो अपने ढंग से उनका इलाज कर रहे हैं, और इधर दर्द का बेचारा इस सुबह शाम सुई देने लगा। एक सेकेंड लगता है कि हमें स्टॉप करके चार्जर लगाना पड़ेगा। तो वो कंपाउंडर उनको सुबह शाम सुई देने लगा दर्द का। उसके बाद एक शाम क्या हुआ कि मेरी वाइफ मेरी बड़ी बेटी के साथ गई उनको देखने के लिए, और मेरी बड़ी बेटी हमको तुरंत इन्फॉर्म की कि पापा जल्दी से ऊपर आइए, नानी का तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, काफ़ी ख़राब है। मैं दौड़ा दौड़ा ऊपर गया, मैं जनरली उनको ड्रॉप करने गया था चूँकि अभी कोरोना का माहौल चल रहा है, तो मेरा हम बहुत सोच समझ के मूव करते हैं, चूँकि मदर फादर भी मेरे ओल्ड एज में हैं तो मैं ज़्यादा मूव कर नहीं करता हूँ। अब वो अपार्टमेंट में रहते हैं, अपार्टमेंट में जो गार्ड है वो तक मास्क नहीं लगाता है, लिफ्ट है उसको कितना आदमी ऑपरेट करता, मतलब बहुत सारा प्रिकॉशन, तो मैं बहुत रेयर चाहता था कि विजिट करूं, और मैं जनरली हाफ पैंट टी शर्ट में गया था गाड़ी ड्राइव करते हुए उन लोग को ड्रॉप करने। इसी बीच मेरी बेटी जब ऊपर गई नानी को देखने के लिए, वो तुरंत हमको रिपोर्ट की कि पापा जल्दी आइए, नानी का तबीयत हमको ठीक नहीं लग रहा है। मैं तुरंत गाड़ी बैक किया, आया ऊपर, देखा कि उनका सांस लेने में उनको सफोकेशन हो रहा है, ट्रबल हो रहा है।
मैं फादर इन लॉ को बोला कि देखिए सांस लेने में बहुत ट्रबल हो रहा है, हॉस्पिटल में डालना एकदम मस्ट है। उसके बाद वो बोले कि नहीं नहीं ऐसा ही होता है, उसको दम फुल्ली है, एक वर्ड उन लोग का बड़ा पिकोलियर है, दम फुल्ली वर्ड यूज़ किया, दम फूलना मतलब सांस लेने में ट्रबल होना, तो हम इसको इन्हेलर वगैरह दे देते हैं वो ठीक हो जाता है, अभी बाथरूम से आई है इसीलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन हमको कुछ ठीक नहीं लग रहा था, और सही पूछिए तो मेरी सास इतना कष्ट में थी उस समय, उसमें भी वो बोल रही है मेरी वाइफ को कि संजीव आया है उसको कम से कम मखाना खिला दो। मखाना एक जो यहाँ का आप जानते होंगे वाइट कलर का होता है, हमारे यहाँ बिहार में दरभंगा साइड का वो एक ये है, मैंने क्या ड्राई फ्रूट ही कह लीजिए, तो उसकी वो बहुत मैंने हम मैं खाता हूँ शौक से, और बराबर जब जाते थे तो मेरे लिए रखती थी और खिलाती थी, मतलब मानती इतना थी कि उसका कोई हिसाब नहीं। मैं बोला फादर इन लॉ को कि अब, वो बोले कि नहीं एक काम करते हैं, असल में उनका शाम का समय था, अब उनका जो लाइफ स्टाइल था ना शाम में सोने वाला, वो टाइम आया हुआ था उनको अब सोना था, इसीलिए वो नहीं चाह रहे थे कि किसी तरह से अदर एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना। मैं उनको बोलते रह गया लेकिन वो तैयार नहीं हुए, जब तक वो तैयार नहीं होंगे मैं कैसे, मेरी माँ तो नहीं थी, मेरी मदर इन लॉ थी, मैं ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकता था उनके साथ कि उनको उठा के और हॉस्पिटल में एडमिट कर दूं, जबकि मैं यहाँ बगल में हॉस्पिटल है उसके एम्बुलेंस वगैरह सबसे बात उत सब कर लिया, लेकिन बहुत दुख हुआ उनको लोग एडमिट नहीं करने दिया। खैर कोई बात नहीं, मैं अपने वाइफ और बेटी को लेके 1 घंटा रहने के बाद घर आ गया। मेरी वाइफ जनरली 10:30 तक घर का काम निपटा के सोने आती है, तो जब वो सोने आई रात 10:30 बजे के करीब, तो वो बोले कि माँ से अभी हम बात किए हैं, माँ का आवाज़ लड़खड़ाया हुआ है, मतलब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तो हम तुरंत फ़ोन किए फादर इन लॉ को कि क्या लगता है पैरालिसिस का अटैक हो गया क्या, जब आवाज़ लड़खड़ा गया। बोले कि नहीं 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 कोई ऐसा नहीं है, अब ठीक है, वो हम सब दवाई ववाई दे दिए हैं, इनहेलर दे दिए हैं, सो रही है। फिर हम चुप हो गए, क्या जवाब दें इसमें। हम वाइफ को बोले कि एक काम करो, चलो बीपी का